गाइस कैसे हैं आप लोग। अगेन वेलकम टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। तो आज क्या है कि मैं जा रहा हूँ हुमायूं का मकबरा जो कि निज़ामुद्दीन दरगाह के पास है और मैं अभी रास्ते में हूँ। तो चलो आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वीडियो का एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो अभी क्या है कि मैं हुमायूं का मकबरा के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसका मेन गेट है। अभी हम मेन गेट की तरफ से एंट्री कर रहे हैं। मैं अभी मेन एंट्री पे हूँ और ये क्या है, ये बारकोड है। तो स्मार्टफोन हो तो आराम से वो यहाँ से टिकट जनरेट कर सकते हैं। तो अभी क्या है, मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ अपना टिकट दिखा कर। तो मैं क्या है एंट्री कर चुका हूँ, ये आप बैक साइड देख सकते हो, यहाँ से आपका एंट्री है। और एंट्री करने के बाद हम अंदर आ गए हैं और ये है, जब जैसे ही आप एंट्री करते हो तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। और काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी है। तो ये जो है ये मेन एंट्रेंस है, ये अंदर की तरफ है हुमायूं के मकबरे की तरफ। और इस साइड है, ये जो आप बैक साइड में देख रहे हो मेरे, ये एक और अलग से है। तो क्या है कि पहले मैं इसी साइड चलता हूँ और इधर की तरफ देखते हैं क्या है। काफ़ी बड़ा कैंपस है ये हुमायूं का मकबरा का। अगर आप यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए, घूमने के लिए आते हैं तो बेस्ट प्लेस है ये। बस इतना याद रखना, कड़क गर्मी में मत आना, जैसे कि अभी मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पे पसीने छूट रहे हैं। और हरियाली काफ़ी अच्छी है, ये तो है, ये देख सकते हो पीछे की साइड। पहले हम इसमें जाएंगे, उसके बाद फिर हम इस गुंबद में चलेंगे, इसमें क्या है वो देखेंगे। चलिए और अंदर चल के देखते हैं कैसा है ये है। ये तो था हमारा मकबरा। चलो अब हम पीछे की साइड चलते हैं, जो मैंने कहा था कि अब हम पहले इसमें जाएंगे उसके बाद फिर हम इसमें जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो इसमें जाएंगे अभी हम। चलो देखते हैं ये कैसा है अंदर से। राइट, इसे देख कर के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये खंडर होगा और कुछ खास नहीं। फिर भी चलते हैं अंदर, देख के आते हैं कैसा है। ये मैं आ गया हूँ इसके अंदर। तो अभी क्या है, हम दूसरी साइड चलते हैं हुमायूं के मकबरे की साइड तरफ। हमने इस साइड के इस तरफ आए थे हम, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस तरफ का कैसा है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अब हम इस साइड गए थे, इधर का तो आपने देख लिया कैसा है। तो अभी क्या है कि मैं मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहा हूँ जो कि हुमायूं का मकबरा की तरफ जाता है। तो चलो अंदर की तरफ देखते हैं। क्या देखता है, क्या देखता है, इधर इधर आ, इधर आ।
पूरी की पूरी फौज लेकर के आ गए, एक को मैंने क्या छेड़ दिया, पूरी की पूरी फौज लेके आ गए। तो यहाँ पे भी क्या है, काफी सारे इंट्रेंस है, पहले भोग लेना है। चलो भोगने दो। और एक और चीज बता दूं, जैसे कि मेरे को अभी गार्ड ने बताया कि आप खाने पीने का सामान अंदर नहीं ले जा सकते, तो खाने पीने का सामान आप बाहर से मत लेके आना, ये तो फिर यहीं से आपको यही छोड़ना पड़ेगा समझ लो। चलो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा अंदर से कैसा है दिखने में। चलते हैं। क्या है कि अभी मैं हुमायूं के मकबरा के अंदर जा रहा हूँ और ये मेरे बैक साइड में देख सकते हो, ये आपका हुमायूं के मकबरा का एंट्रेंस है, इस तरीके से देखो काफ़ी अच्छा है। तो चलो अंदर से देखते हैं हुमायूं का मकबरा कैसा है। पहले हम म्यूज़ियम में चलते हैं, म्यूज़ियम में देखते हैं कि म्यूज़ियम में क्या क्या है, फिर हम हुमायूं के मकबरे की तरफ चलेंगे। तो ये जो अभी हमने देखा ये था म्यूज़ियम, और अभी हम हुमायूं टॉम की तरफ निकल चुके हैं, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये आपका हुमायूं का मकबरा है। और अभी घर में धूप इतनी ज़्यादा है कि आप इस वक्त मत आना। चलो हम देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा कैसा है, चारों तरफ से देखेंगे। अभी क्या है कि मैं अभी हुमायूं का मकबरा के अंदर जा रहा हूँ, बाहर से देखने में तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी शानदार लग रहा है, और चलो आपको भी दिखाता हूँ कैसा है ये। चलो देखते हैं। अभी इसके फ्लोर पे आ गया हूँ, आप बैक साइड में देख सकते हो, और मैं जो अभी आया हूँ इस तरफ से आया हूँ, ये सीढ़ी है, यहीं से आपकी ऊपर की तरफ एंट्री, और ये सीढ़ी चारों तरफ बनी हुई है। तो अभी हम देखते हैं चारों तरफ, और यहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी सारे मकबरे बने हुए हैं किसी न किसी के। चलो अब मैं क्या है, ये गेट मिल गया, गेट है, और इस गेट से मैं अभी एंट्री करूँगा, तो चलो देखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले हुमायूं का मकबरा दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये वाला है, ये हुमायूं का मकबरा है, राइट। Thank you.
को मकबरे में सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ छोटा सा एक म्यूज़ियम मिलेगा देखने को। और हुमायूं का मकबरा है जो कि वो भी सुनसान पड़ा हुआ है, और बाकी इसका जो बिल्डिंग डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त है। पिकनिक बनाने के लिए आ सकते हो मगर खाना पीना नहीं ला सकते, और अंदर खाने पीने की भी कोई ख़ास सुविधा नहीं है अवेलेबल। और वैसे फ्री टाइम अपना निकाल करके आप आराम से आ सकते हो, ठंडा मौसम हो तो और ज़्यादा आपको अच्छा लगा। यहाँ पे पेड़ वगैरह काफ़ी अच्छा है, फ़ोटोशूट के लिए बेस्ट प्लेस है। अगर आप अपना फ़ोटोशूट करवाना चाहते हो तो यहाँ आकर के आप फ़ोटोशूट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है। और इसके अलावा धूप में बिल्कुल आना अवॉइड करें। और लोकेशन की बात बताऊं तो यहाँ पर ये हज़रत निज़ामुद्दीन, आपको पता होगा दिल्ली के हैं अगर आप, तो हज़रत निज़ामुद्दीन के बिल्कुल बगल में है। और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हो, और अगर मेट्रो से आना चाहते हो तो मेट्रो आप जंगपुरा से आप ई रिक्शा ले सकते हो, जंगपुरा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप इधर आ सकते हो। तो ये जगह है। बाकी अगर आप दिल्ली से बाहर के हो तो पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा, और दिल्ली आकर के यही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। तो गाइस आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को पता चले इस बारे में। और तो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप और भी नई वीडियोस को देख पाए मेरे, जो मैं लाता रहता हूँ जल्द जल्द। और हम आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो हम फिर से मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। जब तक आप खुश रहें, अच्छे रहें दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।